हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं मुकेश कुमार, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द पीएम ट्यूटोरियल्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। ठीक है, यहां पर अल्फा क्या है? अल्फा हमने कंसिडर किया है फॉरवर्ड करेंट गेन। अल्फा को हम लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई पी, रेशियो बिटवीन द कलेक्टर करेंट एंड एमिटर करेंट। इसको इक्वेशन वन कंसिडर कर लिया। ठीक है, और आप हमेशा जानते हो कि आई सी की वैल्यू हमेशा लेस देन होती है किससे? आई ई से। ओके, तो द वैल्यू ऑफ अल्फा वेरीज फ्रॉम द 0.95 टू 0.99। ओके, नाउ अब बीटा कंसीडर करते हैं। बीटा क्या है? करंट गेन है, जिसकी वैल्यू है आई सी अपॉन आई बी, द रेशियो बिटवीन द कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। इट इज कॉल्ड द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर और करंट गेन। इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में आप जानते हैं इनपुट करंट क्या होता है? हमेशा बेस करंट होता है। आउटपुट करंट हमें कहाँ से मिलता है? कलेक्टर से मिलता है, इसे है कलेक्टर करंट। ठीक है, जहां पे IB की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है। सो देखिए, यहां पर IB की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल है तो बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू वेरीज फ्रॉम द 50 टू 300। ओके, अब ये सर्किट देख रहे हो आप। इस सर्किट में देखिए, इस पॉइंट पर करंट IE, करंट IE इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द करंट IB एंड IC। ओके, दिस करंट फ्लोस फ्रॉम RC। ओके, इस पॉइंट पर, इस नोड पर आकर दोनों मिल जाती हैं। हम इससे इक्वेशन बना सकते हैं यूजिंग KCL इन द फिगर शोन। IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। ओके, सो अब क्या करते हैं कि दोनों साइड हम IC से डिवाइड कर देते हैं इसको। IE अपॉन IC, IC बाई IC एंड IB बाई IC। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा IC अपॉन IE। IC अपॉन IE आपका हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, जो यहां से दिखाई देगा आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, ये आपका आईसी कैंसिल हो गया। और ओके, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन बीटा मतलब बीटा, 1 अपॉन बीटा हमारा हो जाएगा आई बी अपॉन आईसी, मतलब इनवर्स ऑफ दिस बीटा। ओके, अब इनको अरेंज कर दो प्रॉपरली, जैसे हमारी इक्वेशन मिलकर आ जाएगी बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।